आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस फल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। इस तरह के कई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे आपको इसी तरह फलों और सब्जियों के नाम दिखेंगे, यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा और आपको हम बताएंगे कि इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है। क्योंकि इस तरह के कई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगी। किसी भी फल या सब्जी का अगर आपको खाने वाला हिस्सा पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी कराएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहले हम बात करेंगे टमाटर के बारे में। टमाटर एक सब्जी है और यहाँ पे आप इसका फोटो भी देख पाएंगे। टमाटर का जो हिस्सा हम खाते हैं वो होता है फल भित्ति और बीजांडसन। फल भित्ति और बीजांडसन, ये है टमाटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाता है कि टमाटर का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। ऑप्शन दे देगा तना, पत्ती, फल भित्ति और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह आपको अपना सही उत्तर बताना होता है, फल भित्ति। चूँकि टमाटर सभी लोग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे तो बताना आसान होता है। कई जगह कुछ ऐसे फलों या सब्जियों को पूछा जाता है जिन्हें बताने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सबको कवर करेंगे। दूसरा है तरबूज। देखिए, कई चीज़ ऐसे होगा जो आपके यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहा जाता होगा, लेकिन जो है हम यहाँ पे फोटो लगाने की कोशिश किए हैं। तो जो तरबूज होता है इसका हम जो हिस्सा खाते हैं ये होता है मध्य और अंतः फल भित्ति। मध्य और अंतः फल भित्ति खाया जाता है तरबूज का। नाशपाती का देख लें तो ये है नाशपाती, और नाशपाती का जो हम हिस्सा खाते हैं ये होता है गुद्देदार पुष्पासन। कहीं कहीं पर आपको मांसल पुष्पासन देखने को मिलेगा, गुद्देदार पुष्पासन। अगला है कटहल। तो यहाँ पे आप कटहल को देख सकते हैं और यहाँ पे इसके बीज भी हैं। तो कटहल का अगर देखा जाए तो सहपत्र तो खाया ही जाता है, उसके साथ परिदल और बीजों को भी खाया जाता है। सहपत्र, परिदल तथा बीज, ये कटहल का खाया जाता है। अगला है बेर या फिर जामुन। बेर या फिर जामुन, यहाँ पे आपको जामुन का फोटो दिख रहा है। तो बेर या फिर जामुन का जो हम हिस्सा खाते हैं ये होता है फल भित्ति और गुद्देदार। फल भित्ति गुद्देदार जो होता है इसी को हम खाते हैं, जो इसके भीतर रहता है। अगला है बेल। तो बेल का हम जो हिस्सा खाते हैं ये होता है भीतरी बीजांडसन। बेल का जो हम हिस्सा खाते हैं उसे कहते हैं भीतरी बीजांडसन। अगला है सेव। सेव का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो सेव का हम हिस्सा खाते हैं गुद्देदार पुष्पासन। देखिए, आपको ये नाम जानना जरूरी है क्योंकि आपसे एग्जाम में इसी तरह ऑप्शन बनाएगा। तो सेव का वो हम खाते हैं गुद्देदार पुष्पासन को। अगला है अंगूर। तो यहाँ पे आप अंगूर को देख पा रहे होंगे। अंगूर का हम क्या खाते हैं? फल भित्ति और बीजांडसन। फल भित्ति तो खाते ही खाते हैं, इसका बीजांडसन भी हम खाते हैं। अगला है अनार। यहाँ पे आप अनार देख पाएंगे। अगर अनार की बात करें तो अनार का रसीले बीज खाया जाता है। अनार के रसीले बीज खाया जाता है। अगर आपको अनार के लिए ऑप्शन दे दे रसीले बीज और पत्ती, फल, फूल, तो आपका सही उत्तर होगा केवल रसीले बीज। हम अनार का पूरा फल नहीं खाते हैं। तो इस तरह आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। अगला है काजू। काजू का हम क्या खाते हैं? तो काजू का हम खाते हैं बीजपत्र पुष्पासन। काजू का बीजपत्र पुष्पासन खाया जाता है। अगला है बैगन, जो कि एक सब्जी है। तो बैगन का हम क्या खाते हैं? तो बैगन का खाया जाता है फल भित्ति और बीजांडसन। फल भित्ति और बीजांडसन। अगला है मटर या फिर कोई भी दाल, खास करके मटर जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर कोई दाल। तो मटर या फिर दाल में हम खाते हैं उसके बीज पत्रों को। यहाँ पे ये जो है मटर, इसको खोलने पे ये एक बीज पत्र होता है, तो इसी को हम खाते हैं, बीज पत्र को, कोई मटर हो या फिर कोई भी दाल हो। अगला है भिंडी। भिंडी जिसको कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, तो भिंडी का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं ये आपको बताना है। तो भिंडी का हम जो हिस्सा खाते हैं उसे कहते हैं समूचा फल, यानी कि भिंडी में आप सब कुछ खा लेते हैं, इसका छिलका, बीज, मतलब समूचा फल को आप भिंडी का खाते हैं।
अगला है सहतूत, यहाँ पे त होगा सहतूत। यहाँ पे आप फोटो में देख पाएंगे, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये है सहतूत। सहतूत का क्या हिस्सा खाते हैं आप? तो ये खाया जाता है रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज। अगला है शरीफा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है शरीफा। तो शरीफा का जो हिस्सा हम खाते हैं ये होता है मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन। मांसल तथा गुद्देदार पुष्पासन शरीफा का खाए जाने वाला हिस्सा है। अगला है कि अमरूद, अमरूद का क्या खाया जाता है? यहाँ पे आप अमरूद को देख पा रहे होंगे। तो अमरूद का जो हिस्सा हम खाते हैं वो होता है फल भित्ति और पुष्पासन, फल भित्ति और पुष्पासन। अगला है आम, आम का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो आम में जो हिस्सा खाने लायक होता है ये होता है मध्य भित्ति और अंत भित्ति, मध्य और अंत भित्ति कहिए, या फिर मध्य और अंत भित्ति खाया जाता है। आगे है नींबू, जो कि विटामिन सी का सोर्स होता है। अच्छा, तो जो नींबू का हिस्सा खाया जाता है ये होता है रसीले रोम। इसका ना तो छिलका खाया जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रोम होते हैं रसीले, इन्हीं को खाया जाता है। नींबू में हम खाते हैं रसीले रोम को। अगला है सिंघाड़ा, यहाँ पे सिंघाड़ा आप देख सकते हैं फोटो में। तो सिंघाड़ा का जो हिस्सा खाया जाता है इसे कहते हैं बीजपत्र, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छिलका के सहित है। छिलका को निकाल देने के बाद ये इस तरह का दिखता है, जिसको हम खा सकते हैं और इसे हम बोलते हैं बीज पत्र। अगला है धनिया, तो यहाँ पे धनिया की केवल फोटो है, हालांकि धनिया के बीज भी होते हैं। तो धनिया में जो खाया जाने वाला हिस्सा है यह है पुष्पासन और बीज, पुष्पासन और बीज, धनिया के इन दोनों हिस्सों को खाया जाता है। अगला है गेहूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूं यहाँ पे, और इससे आटा बनता है। तो गेहूं का जो हिस्सा खाया जाता है वो होता है भ्रूणपोष। इस बीज को क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। तो आपको इस तरह परीक्षा में ट्रिक करना होता है। अब बात करते हैं पपीता की, पपीता का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो जो पपीता होता है इसका हम मध्य फल भित्ति खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। तो बस अब आएगा आपके सामने कुछ क्वेश्चन, जिनका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा में आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, चौथा ऑप्शन आप जोड़ सकते हैं नॉन का। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलता है। जो लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए, गेहूं का जो भाग खाया जाता है ये होता है भ्रूणपोष, गेहूं का भ्रूणपोष खाया जाता है। अगला देखते हैं, ये है सहतूत, सहतूत का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ये होता है रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज खाया जाता है सहतूत का। अगला है काजू, काजू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ये होता है काजू में जो खाने वाला हिस्सा, ये है बीज पत्र पुष्पासन, काजू का बीज पत्र पुष्पासन खाया जाता है। अगला है सेब, सेब का जो हिस्सा खाया जाता है ये होता है गुद्देदार पुष्पासन, सेब का गुद्देदार पुष्पासन जो होता है वही खाया जाता है। अगला है पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पपीता का खाया जाता है मध्य फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो ये है sarkariexam.me, आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का PDF आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको GK टेस्ट का सेक्शन मिलता है।
यहाँ पे ढेर सारे जीके के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जीके का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी जीके, कंप्यूटर जीके, इंडिया जीके और इस तरह के स्टेट वाइज जीके भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है उसका PDF आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप WhatsApp, Twitter, Facebook या फिर Telegram पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।